ये रिजल्ट देखने के बाद ये बहुत ज्यादा संभावना है कि आपका मूड या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपके एनटीए यूजीसी नेट साइकोलॉजी का, जो आपका रिजल्ट यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है जून 2024 का, उसके बारे में। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर देखेंगे कि इसकी जो कट ऑफ है, ये इसने क्यों अपनी जो है रेजिलियंसी शो की है यहाँ पर, ये क्यों बाउंस बैक कर गई है, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करेंगे इसी के साथ साथ कि आगे आपने जो है किस प्रकार से तैयार रहना है इस प्रकार की अड़चनों के लिए, इस प्रकार की दिक्कतों के लिए, ताकि आप जो है सफर ना करें इस चीज के बीच में, ठीक है। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कहानी को ले चलते हैं। कब कहानी को ले चलते हैं हम यहाँ पर? 18 जून के ऊपर, ठीक है। आज से ठीक 4 महीने पहले 18 जून को जब आपका पहली बार एग्जाम हुआ था, वो कौन सा हुआ था? वो हुआ था आपका ऑफलाइन मोड में, ठीक है। ऑफलाइन मोड के अंदर आपका जो एग्जामिनेशन होता है उसके बाद वो कैंसिल होता है, एंड देन उसके बाद आपका जो एग्जाम है 30 अगस्त को लिया जाता है। 30 अगस्त को हम बात कर रहे हैं खासतौर पर यहां पर साइकोलॉजी के बारे में, एंड फिर उसके बाद आपको जो रिजल्ट दिया जाता है वो दिया जाता है यहां पर 17 अक्टूबर को, ठीक है। तो ये 18 जून से लेके आज हम बात कर रहे हैं यहां पर 18 अक्टूबर तक, ये जो 4 माह थे काफी ट्रॉमेटिक थे, काफी यहां पर जो है मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा है, ठीक है। क्यों, किसकी वजह से? जस्ट बिकॉज एक जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी है, वो प्रॉपर अपनी अच्छे तरह से काम नहीं कर रही है, एंड जिसकी वजह से सफर हुए हैं काफी सारे लोग यहां पर, ठीक है। एंड इतनी सारी सफरिंग के बाद, इतने सारे दुख के बाद आपको रिजल्ट मिलता है, वो भी ऐसा जो कि अपने आप में एक जो है शॉकिंग वाली खबर यहां पर हो जाती है। यहां पर देखेंगे हम यूजीसी नेट जून 2024 का, उन्होंने एग्जामिनेशन लिया हुआ है 21 अगस्त से 5 सितंबर तक, और मोड लिखा हुआ है सीबीटी। यहाँ पे कहीं भी री एग्जाम ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए। काउंट ऑफ रजिस्टर्ड कितने थे आपके यहाँ पर? 11 लाख लोग थे, 11,21,000। उसमें से मेल देखेंगे यहाँ पर 4 लाख थे, और यहाँ पर देखेंगे फीमेल आपके अप्रोक्सीमेटली 6.5 लाख थे। तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा फीमेल का डोमिनेंस, एंड उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर थर्ड जेंडर के लोग 59 लोग भी यहाँ पर देखने मिले थे आपको। तो इनके लिए भी यहाँ पर अच्छी बात है कि ये लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, आगे कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। काउंट ऑफ अपियर्ड जितने लोग टोटल आए थे वहां पर वो कितने थे? वो थे केवल आपके यहाँ पर 6,84,000, ठीक है। देन यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ जो है आपके यहाँ पर 4,970 लोग, अप्रोक्सीमेटली 5,000 के आसपास। एपी के लिए आपके जो है वो है यहाँ पर 53,694, और कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर पीएचडी ओनली ये जो है आपका 1,12,070। ये तो पता नहीं क्यों दे रहे हैं यहाँ पर कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर पीएचडी ओनली, हमारे मुताबिक यहाँ पर कि ऐसे लोग केवल पीएचडी के लिए क्वालिफाई है उनको यहाँ पर दिया गया है 1,12,070 लोगों को यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो है ना ये केवल क्यों दिया गया है, ये अपना अपना पर्सनल भी हो सकता है, आपका इससे अलग हो सकता है, लेकिन ये केवल इसके लिए दिया गया है ताकि लोग यहाँ पर खुश रह सके, वो यहाँ पर हैप्पी रह सके इस वजह से, ठीक है। केवल इसलिए दिया हुआ है कि चलिए अगर आपको इतने हाई कॉम्पिटिशन में जेआरएफ नहीं मिल पाया, अगर आपको इतने हाई कॉम्पिटिशन में नेट नहीं मिल पाया, तो आप किससे खुश हो सकते हैं? आपने केवल पीएचडी क्राइटेरिया यहाँ पर फुलफिल किया है उससे आप खुश हो सकते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर रियलिटी में जाएंगे लाइफ की, तो आपको समझ में आएगा कि आपके सामने जो है यही लोग आपको टकराएंगे, तो आपके ये पीएचडी क्वालिफाई होने से भी कुछ उतना कुछ खासा महत्व रहता नहीं है, क्योंकि मे भी शायद वो स्कोर वगैरह देखें आपका कि किसका ज्यादा हाई स्कोर वगैरह है। खैर वो सब बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर आप आगे के लिए एम कर रहे हैं, दिसंबर के लिए या जून के लिए जब भी आप एम कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है, और आपका इस बार नहीं हुआ है, आपको ध्यान रखना है कि आपको या तो नेट लाना ही होगा या फिर आपको जेआरएफ लाना ही होगा, ठीक है। खाली पीएचडी जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो करके आप कुछ ज्यादा उससे हासिल नहीं कर पाएंगे एज कम्पेयर टू आपका नेट और जेआरएफ, ठीक है। इसकी वैल्यू, इसकी इंपॉर्टेंस अभी भी ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि जिसने पीएचडी वाला यहाँ पर क्वालिफाई किया है उसके ऊपर ये लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं अलग से, ठीक है। तो आपका एम क्या होना चाहिए? आपका एम ये होना चाहिए कि आप क्या करें, आप नेट और जेआरएफ को अभी भी तगड़े होके जो है यहाँ पर इसको अटेम्प्ट करें, ठीक है। आपका पीएचडी हो गया इस बार, काफी अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया आपने यहाँ पर, लेकिन इससे आपको रियलिटी में कुछ भी फायदा आपको नहीं मिलने वाला है अगर आप थोड़े से भी समझदार व्यक्ति है तो, ठीक है। आपको इससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा, हाँ आप ये है कि एलिजिबल कहलाएंगे, लेकिन आपको कॉम्पिटिशन जो फाइट करना पड़ेगा वो आपको अगेन इन्हीं लोगों से आगे जाकर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो बात कर ली हमने आपको कि आपको जो है 3 फॉर्म में यहाँ पर आपको जो है इन्होंने रिजल्ट दिया है इस बार यहाँ पर, ठीक है। जेआरएफ बीइंग द हाईएस्ट, देन उसके बाद नेट, और उसके बाद आपका यहाँ पर देन पीएचडी इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में? अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपके कट ऑफ के बारे में, ठीक है। जो आप लोगों को काफी समय से इंतजार था आपके रिजल्ट का, रिजल्ट के साथ साथ आपको जो है कट ऑफ भी यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से दिखता है कट ऑफ यहाँ पर, ये आपका 004 साइकोलॉजी, ठीक है। और आपको बता दें यहाँ पर कि इस बार भी जो है
हमारे बच्चों ने यहाँ पर जो है नेट को क्वालिफाई किया है यहाँ पर, ठीक है, 1 KB रिपोर्टिंग आई है यहाँ पर, तो उन्होंने जो है नेट क्वालिफाई किया है यहाँ पर 202 नंबर के साथ में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखिए साइकोलॉजी की अगर हम बात करें आपके, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए देखिए आपका पहले यहाँ पर जो ये है 222 है, ये किसके लिए आपका, ये आपका JRF के लिए है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए नंबर कितना है, नंबर आपका 39 है। अगर इसके पहले आपने कट ऑफ की वीडियो देखी है हमारी, तो आपको आइडिया होगा कि आपको बता रहे थे कि किस प्रकार से ये जो ग्राफ है 39, 44, 54, इस प्रकार से जो ग्राफ है ये गिरता जा रहा है साल दर साल, ठीक है। अगर आपने देखी होगी पुरानी वीडियो, तो नहीं देखी तो जाकर उसको देखिएगा, ठीक है। वहां पर बताया था आपको कि ये जो ग्राफ है गिरता जा रहा है और आगे भी इसी प्रकार से देखने मिल सकता है आपको, और वो इस बार उन्होंने यहाँ पर जो है ठीक साबित कर दिया यहाँ पर कि 222 के ऊपर केवल 39 लोगों को यहाँ पर चुना गया है, ठीक है। अब ये बताइए कि यहाँ पर 222 है, और क्या जिसके 220 आए हैं उसने क्या कोई कम पढ़ाई की थी, क्या जिसके 218 आए हैं उसने क्या कोई कम पढ़ाई की थी, या जिसके 216 आए हैं, या इवन जिसके 210 भी आए हैं उन्होंने यहाँ पर कोई भी कम पढ़ाई नहीं की थी, ठीक है। ऑल आर इक्वल यहाँ पर सब लगभग लगभग जो है यहाँ पर समान है, लेकिन यहाँ पर चूंकि 222 यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है, सेट किया हुआ है पैमाना इस बार के लिए, और उन्होंने सेलेक्ट किया है यहाँ पर 39, इसके पहले 54 लोगों को सेलेक्ट किया हुआ है। तो अगर ये 222 से 216 पे ले आते तो क्या पता शायद यहाँ पर आपको 54 का आंकड़ा देखने को मिलता, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर 222 रखा हुआ है यहाँ पर JRF के लिए। फिर यहाँ पर देखिए नेट की बात करें, नेट के लिए आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है 198, ठीक है, 198 यहाँ पर जो हम बात करेंगे यहाँ पर, ये आपको दिया हुआ है, और इसके अंदर कितने लोग हैं यहाँ पर, 535 लोग यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर 174 यहाँ पर जो लोग हैं ये किसके लिए है, ये आपके केवल PhD ओनली के लिए क्वालिफाई है यहाँ पर, 1091 लोग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बात की हमने किसके बारे में, ये बात की हमने आपके यहाँ पर जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके बारे में। 222 आपका जो JRF के लिए गया है, 198 आपका जो यहाँ पर गया है नेट के लिए, और 174 गया है यहाँ पर आपका कितना, PhD ओनली के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे आगे, OBC 210 यहाँ पर गया हुआ है, ठीक है, ये एक क्राइटेरिया, एक कारण यहाँ पर है, नहीं ये भी कारण है कि यहाँ पर 212 क्यों है बताते हैं यहाँ पर, क्योंकि देखिए अगर 212 के ऊपर 7 बच्चे ला रहे हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि 212 ही आया होगा, हो सकता है 216 आया हो सकता है 220 आया हो, या इवन हो सकता है EWS में या OBC में किसी का 222 भी आया हो, ठीक है। तो जब सवाल ऐसा पैदा होता है कि जब 210 या 222 लाने वाला बच्चा अगर OBC और EWS का निकला, तो यहाँ पर संभावना है कि आपको जो कट ऑफ जनरल का गया है वो इसलिए यहाँ पर हाई गया होगा, ठीक है, ऐसा होता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर इन कैटेगरी के बच्चों ने जनरल से भी हाई स्कोर किया है, तो बट ऑब्वियसली बात है वो वहां पर रख देते हैं आगे, तो मे भी शायद यहाँ कुछ ऐसा हुआ होगा, और रिजल्ट वगैरह कम दिया है वो तो अलग बात है यहाँ पर अपनी है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है ओबीसी का जो बच्चा है वो यहाँ पे कितना लेके आया है, 210 लेके आया है, और उसमें 23 बच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि इन 23 बच्चों ने, 23 बच्चों के 210 से 222 के बीच कुछ भी नहीं आया होगा, ठीक है, 210 के ऊपर बोला है, जरूरी नहीं कि सारे के सारे 23 बच्चों का 210 ही केवल होगा, ठीक है। उसी प्रकार लाइकवाइज यहाँ पे 212 की बात करें, 212 के लिए भी आपको देखना है यहाँ पर 7 बच्चे जो थे 212 के ऊपर लाए थे EWS कैटेगरी से। देन उसके बाद बात करें यहाँ पर SC कैटेगरी की, 194 यहाँ पे लाए हैं, 9 बच्चे इसके ऊपर हैं, एंड 198 यहाँ पर लेके आए हैं, ये आपके 4 बच्चे यहाँ पर हैं, और 180, 160, 168, 174, 162 इस प्रकार से यहाँ ड्रॉप हुआ है यहाँ पर, ठीक है, आपकी PWD कैटेगरी के अंदर यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 39, 23, 7, 9, 4, ये अगर आप मुख्यतः ऐड करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस बार साइकोलॉजी के अंदर मेनली इतने लोगों का यहाँ पर JRF हुआ है, जो लास्ट टाइम से आपको जो नंबर्स हैं वो यहाँ पर कम है, ठीक है, पिछले बार से जो नंबर है यहाँ पर ये कम है, और आगे भी इस प्रकार से कम होते रहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि आपका जो एम होना चाहिए, अगर आप JRF के लिए कर रहे हैं, तो आपका पेपर 2 भी सॉलिड होना चाहिए और आपका पेपर 1 भी सॉलिड होना चाहिए, उसी केस में आपको जो है यहाँ पर JRF मिलेगा। यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, ये लोग जितने भी बच्चे हैं, इनका पेपर 2 और पेपर 1 दोनों ही सॉलिड होगा, ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 70+ तो उनका आया होगा, जिसके अंदर 70+ सवाल उन्होंने सॉल्व किए होंगे साइकोलॉजी के अंदर मिनिमम, और आपका जो 35 से 40 के बीच किया होगा कहाँ पर आपने, पेपर 1 के अंदर किया होगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, इस हिसाब से कुछ ना कुछ किया होगा उन्होंने, तभी यहाँ पर उनको यहाँ पर मिल रहा है। क्योंकि देखिए अगर 222 गया है यहाँ पर, अगर हम बात करें जनरल का 222 गया हुआ है यहाँ पर, और 222 के ऊपर कितने लोग हैं, 39 लोग हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप, यहाँ पर 39 लोग हैं, तो इन 39 लोगों ने क्या किया होगा, 222 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न का 2 मार्क होता है, 2 से करेंगे तो 111, यानी कि 111 क्वेश्चंस जो है उन्होंने सही किए होंगे, तब जाकर यहाँ पर 222 आया हुआ है, ठीक है। और 111 सॉल्व करने के लिए वो क्या चाहिए, 100 आपके होते हैं साइकोलॉजी के, अरे तो वो काफी लंबी क्लास हो गई, और 50 होते हैं किसके आपके, 50 होते हैं आपके यहाँ पर पेपर 2 के, सॉरी पेपर 1 के, ये पेपर 1 का हो गया और ये आपके पेपर 2 का हो गया, ठीक है, कुल मिला के 150 है, ठीक है, 150 में से मान के चलते हैं 111 आए हैं, यानी कि कितना स्कोप बचता है यहाँ पर, केवल 40 सवालों का स्कोप बचता है, समझ रहे हैं आप यहाँ पे कितना डीप में पढ़ना पड़ता है आपको, यहाँ पर 40 सवालों का स्कोप बचता है 40 में से। अब यहाँ पे डिपेंड करता है, किसी के यहाँ पे 15 होंगे, किसी के
25 होंगे इस प्रकार से, कहीं कहीं गलत होंगे, ठीक है, हो सकता है साइकोलॉजी में 25 गलत हो और यहाँ पे 15 गलत हो, उतना ही यहाँ पर स्कोप रहा होगा, उसके अलावा यहाँ पे ज्यादा स्कोप है नहीं। मतलब जिन भी बच्चों का 222 के ऊपर आया हुआ है, ये कहीं ना कहीं तो होंगे 23-39 बच्चे, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 111 क्वेश्चंस यहाँ पर सही किए हैं, यानी गलत की संभावना कितनी है, केवल 38 क्वेश्चंस उनके जो है यहाँ पर गलत हो सकते हैं, सॉरी 39, ठीक है। तो इन बच्चों का जो साइकोलॉजी में स्कोर रहा होगा 70 से 80 सवालों के बीच रहा होगा मिनिमम, कम से कम इतना तो रहा ही होगा, डिपेंड करता है अलग अलग कैटेगरी के ऊपर, ठीक है, जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे आंकड़ा थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा यहाँ पर, ठीक है, लेकिन जनरल की बात करें तो मिनिमम उन्होंने जो है इतना स्कोर किया होगा, हो सकता है यहाँ पे 90 भी आया हो कई लोगों का, ठीक है, और अगर यहाँ पर 90 गया है तो यहाँ पे पेपर वन में कम होगा, और यहाँ पे अगर 70-80 के बीच में तो पेपर वन के अंदर उनका 35 प्लस होना चाहिए यहाँ पर मिनिमम, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको भी प्रिपेयर करना है आगामी दिसंबर 2024 के लिए, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका एम यहाँ पर जीआरएफ है तो, ठीक है, ये हम खास तौर पर जीआरएफ फोकस्ड यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर आपका एम जीआरएफ है तो आपको इस प्रकार से तैयारी रखनी होगी, 35 प्लस सवाल आपको सही करने ही पड़ेंगे किसी भी कीमत पर, इफ्स एंड बट्स आप पढ़े चाहे ना पढ़े आपको करना होगा, ठीक है, जीआरएफ के लिए आपको 35 प्लस सवाल, और इसके देखिए आपको समय देना होगा पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, ओके, ठीक है। आपका जीआरएफ ऐसा ही नहीं हो जाएगा कि आप आए उठे और कॉन्कर कर लिया आपने जीआरएफ, ऐसा बहुत ही अनएक्सेप्शनल लोगों के साथ होता है, ठीक है। देन देखिए यहाँ पर ये हमने बात कर ली सारे कट ऑफ जीआरएफ के बारे में यहाँ पर, तो अगर आपका एम जीआरएफ है तो आपको ध्यान रखना है कि 220 आपको एम करके चलना है अभी से, ठीक है, 220 एम करके चलना है, आपका डीआई और वो सब जो बात है पेपर वन की वो आपको स्ट्रांग करना होगा, नो मैटर आपकी साइकोलॉजी कितने भी स्ट्रांग हो तो, ठीक है, कुछ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको स्ट्रांग करना होगा। देन बात करें यहाँ पर 198 यहाँ पर गया है आपका किसका, नेट के लिए, ठीक है, 198 गया है, लास्ट टाइम आई गेस 190 के आसपास गया था, और यहाँ पर इन्होंने जो है चार सवाल यहाँ पर बढ़ गए, अब ये बढ़े क्यों हैं उसके रीजन पता नहीं, यहाँ पर इतना जो कट ऑफ है वो आपका बढ़ गया है, इसको ड्रॉप होना चाहिए था लेकिन क्या हो गया है उल्टा यहाँ पर आपका ये इंक्रीज हो गया है, ठीक है। इंक्रीज क्यों हो गया है क्योंकि सवाल का अगर आप देखेंगे सवाल जो थे डिफिकल्ट थे, डिफिकल्ट थे इन द सेंस आपको सीधा सीधा चीजें नहीं पूछी गई थी, आपको चीजें जो थे वहां पर घुमा फिरा के पूछा गया था, जिसने क्या किया आपका टाइम कंज्यूम किया, लेकिन फिर भी हमको यहाँ पर कट ऑफ इंक्रीज यहाँ पर हमको देखने मिल रहा है, ठीक है, और कट ऑफ इंक्रीज देखने मिल रहा है उसके अंदर भी यहाँ पर कितने लोग हैं 535 हैं, इसको अगर इतना नहीं था तो अप्रोक्सीमेटली 190 तक इसको जाना चाहिए था, उसके ऊपर इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं थी इस पेपर के अंदर भी अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए अगला ओबीसी एनसीएल में है 178, वो सेम चल रहा है 20 नंबर का फर्क, ठीक है, 20 मार्क्स का फर्क है, केवल एक बार आपका 18 मार्क्स का फर्क रहा था, 20 मार्क्स का फर्क जो है यहाँ पर आपको हर बार देखने मिलेगा जनरल कैटेगरी और ओबीसी के अंदर, और यहाँ पर देखिए वहीं पर आपको देखने मिल रहा है ईडब्ल्यूएस में 180 का, ठीक है, 180 मार्क्स आपके गए हैं यहाँ पर, उसमें देखिए 85 बच्चे हैं केवल किसके अंदर है आपके ईडब्ल्यूएस के अंदर जिनको यहाँ पर नेट मिला हुआ है। एससी कैटेगरी में बात करें 164 बच्चे हैं जिसमें से 116 यहाँ पर आए हुए हैं, मतलब कट ऑफ आपका 164 है, एंड देन एसटी की बात करें तो आपका यहाँ पर 158 यहाँ पर गया हुआ है 53 बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये था आपका नेट के लिए कट ऑफ 198 178। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व से बिलोंग करते हैं, तो आपको तो एम रखना ही होगा 200 का नेट के लिए, हम बात कर रहे हैं मिनिमम, ठीक है, नेट के लिए आपका मिनिमम एम कितना होना चाहिए, मिनिमम एम आपका होना चाहिए 200 के नीचे तो आपको लाना ही नहीं है दिसंबर के लिए, और बात ही नहीं करनी है आपको, इस बात को आप काफी अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है, 200 के नीचे आपको बात ही नहीं करनी नेट के लिए अब, ठीक है। चाहे पेपर कितना भी टफ है, चाहे पेपर कितना भी डिफिकल्ट आए, आप देख रहे हैं एनटीए का 198 कर दिया है यहाँ पर, काफी कम बच्चे कर दिया, 200 प्लस बच्चे रहते थे यहाँ पर, काफी कम कर दिया है, यहाँ पर देखिए 50-40 रहते थे, यहाँ 39 कर दिया है। तो अब ये कह सकते हैं यहाँ पर कि हेल्दी स्कोर क्या है, वो आगे वाले वीडियो बताएंगे आपको, लेकिन हेल्दी स्कोर आपका यहीं पर ये रहेगा कि 200 अगर आपके आ रहे हैं, अगर आप कौन सी कैटेगरी से हैं, आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपका हेल्दी स्कोर है, एल्स आप केवल जो है अपने लक के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है। 200 तो आपके कम से कम मिनिमम आने चाहिए, जहां पे आपके चांसेस जो है काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। एंड अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर देखिए 178 यहाँ पर हम देखेंगे तो आपको फ्लक्चुएशन देखने नहीं मिलेगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपको यहाँ पर देखिए 180 देखने मिलता है लगभग कॉन्स्टेंटली, जून में बात करें, दिसंबर में बात करें, जब भी हम बात करें 180 के आसपास आपको देखने मिलता है। तो आप ये मान के चलिए अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप अगला एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि इस एग्जाम में आपका नहीं हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 180 के ऊपर ध्यान रखना है आपको कि ये आपका सेफ स्कोर होगा, और टू बी ऑन द सेफ साइड 190 लेके चलिए आप, 190 के ऊपर आपको होना चाहिए सही, इसके नीचे कोई भी यहाँ पर आपके लिए कोई भी चांस नहीं रहेगा, ठीक है, चांस नहीं रहेगा, इसके ऊपर ही आपको जो है चांस बनेगा 180 के ऊपर नेट के लिए बात कर रहे हैं मिनिमम, ठीक है, मिनिमम नेट के लिए वहां पर बात कर रहे हैं, जेआरएफ की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। और सेम वही ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम वही पर वो चीज अप्लाई होती है, यहाँ पर देखिए 210 यहाँ पर गया है, 212 यहाँ पर गया है, तो ये सेम चीज यहाँ पर फ्लक्चुएट होती रहती है, 2-4 नंबर का फर्क रहता है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में, बाकी सारी चीज जो है यहाँ पर कॉन्स्टेंट रहती है।
उसके बाद देखिए यहाँ पर हम बात करें एससी कैटेगरी के लिए, तो एससी कैटेगरी देखिए 164 और एसटी के लिए 158। तो आप यहाँ मान के चलिए अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका सेव स्कोर क्या रहेगा, आपका सेव स्कोर रहेगा 170 प्लस आपका अगर आ रहा है, अगर पेपर बहुत ही ईजी नहीं आया हुआ है तो नॉर्मल पेपर आया हुआ है, मॉडरेट पेपर आया हुआ है, तो आपको 170 प्लस आपका जो यहाँ पर है सेव स्कोर रहने वाला है, ठीक है। एंड उसके बाद आप ये यहाँ पर देख रहे हैं 160, 132, 152, ये जो आप अगर इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका इस प्रकार से आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कट ऑफ के बारे में। यहाँ पर देखिए 9 बच्चों ने देखिए यहाँ पर जेआरएफ लिया हुआ है, आप समझ रहे हैं पीडब्ल्यूडी ओडी एंड एओ यूआर ये जो कैटेगरी है इसमें से 128 के ऊपर लाके 9 बच्चों ने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, जेआरएफ लिया हुआ है, ठीक है ओके। तो यहाँ पर देखिए 128 में भी आ रहा है लेकिन उनकी कैटेगरी अलग है, आपकी कैटेगरी अलग है, इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और उसके अलावा हमको यहाँ पर सबसे लोएस्ट स्कोर देखिए हमको यहाँ पर देखने मिल रहा है 106 का, ठीक है लो स्कोर कितना गया है 106 का गया हुआ है यहाँ पर, लेकिन कैटेगरी भी आप देख लीजिए कौन सी कैटेगरी है, ठीक है। तो अलग चुनौतियां है यहाँ पर, एक एक यहाँ पर बच्चों को दिया हुआ है, अब यहाँ पर नेट दिया हुआ है कि जेआरएफ दिया हुआ है वो समझ में नहीं आ रहा, तो हो सकता है कि उन्होंने जो भी किया हो, लेकिन आपको जो ध्यान रखना है मेजरली वो आपकी कैटेगरीज जो यहाँ पर है। और आप परेशान ना हो कि आपका केवल कट ऑफ गया हाई गया है, आपके अलावा एक और सब्जेक्ट है, ठीक है एक और सब्जेक्ट है आपका, अगर आप बिहार से तो आपको समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है इसके अंदर आपका कट ऑफ गया है 234 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है 234 गया हुआ है कट ऑफ, तो सोचिए उन्होंने कितने सवाल गलत नहीं किए होंगे, ठीक है। तो इसका बात को आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखना है, 111 में आपको 222 तक पहुंच रहे थे, 234 तक कैसे पहुंचेंगे, 2 से डिवाइड कर लीजिए आपको आंसर मिल जाएगा, यहाँ पर 117 सवाल आपके यहाँ पर रहेंगे जिन्होंने सही किए होंगे इस पेपर के अंदर, जेआरएफ के लिए बात कर रहे हैं तो, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से है आपका कट ऑफ, जनरल की अगर हम बात करें यहाँ पर जनरल में आपका गया है 222 222 और 198 यहाँ पर गया हुआ है, ठीक है। देन हम बात करें यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के बारे में, तो ओबीसी में आपका यहाँ पर गया हुआ है 210 यहाँ पर जेआरएफ के लिए, और यहाँ पे आपको गया हुआ है 178 नेट के लिए। उसके अगर हम बात करें आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो ईडब्ल्यूएस में आपको यहाँ पर गया हुआ है 212 और यहाँ पे आपका गया हुआ है 180। आप देख रहे हैं यहाँ पर 210 यहाँ पर, 212 यहाँ पर, 178 यहाँ पर, तो 180 यहाँ पर। तो ईडब्ल्यूएस वाले जो है दो दो नंबर हमेशा दो चार नंबर ऊपर आगे पीछे इस प्रकार से रहता है, कभी कभी कम भी हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द पेपर। एंड देन फिर इसी प्रकार से आपका एससी कैटेगरी के लिए और एसटी कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है अलग से 164 156, ठीक है आपका यहाँ पे 164 दिया हुआ है एससी कैटेगरी के लिए और यहाँ पे आपका एसटी कैटेगरी के लिए दिया हुआ है 158 आपके नेट के लिए। और यहाँ पर देखिए एससी के लिए बात करें आपका, सॉरी एसटी के लिए बात करें तो आपका कट ऑफ जो गया है जेआरएफ के लिए वो गया है 194 एंड इंटरेस्टिंगली यहाँ पर जो कट ऑफ गया है आपका एससी कैटेगरी के लिए वो गया है आपका 198, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने मिलेगा एक में नेट पे कम मिल रहा है और दूसरे में जेआरएफ में हाई जा रहा है, इस प्रकार की चीजें भी आपको देखने मिल रही है, आप दे रहे हैं एनटीयू नेट साइकोलॉजी का एग्जाम, ठीक है। तो ये आपका पूरा कट ऑफ एनालिसिस कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो है स्कोर आया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपका इसके ऊपर स्कोर आ रहा है तो आप लोग को बहुत कांग्रेचुलेशंस, और अगर आपका नहीं आया है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है किस्मत भी आपके साथ नहीं है, आपको जो थोड़ी बहुत जो है हार्डवर्क करना है, आपको जो मेहनत करनी है और ज्यादा यहाँ पर, ताकि उनके पास कोई भी यहाँ पर ऑप्शन ना रहे आपको पीछे खींचने के लिए, आपको यहाँ पर फेल करने के लिए, ठीक है आपके उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको फोकस रखना है कहाँ पर, अभी भी अपने हार्डवर्क के ऊपर, कि आप जो है अच्छे से मेहनत करें और अच्छे से आगे बढ़ते रहे, आगे पढ़ते रहे, क्योंकि आपके हाथ में केवल यही एक चीज है। अच्छा नहीं, एक और चीज आपके हाथ में है, आप ये कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट तो जाके नहीं, आप आरटीआई लगा सकते हैं इसके लिए, ठीक है राइट टू इन्फॉर्मेशन की आपने ऐसा क्यों दिया है। अगर आपके पास समय है तो आप ये करें बिल्कुल भी, और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप क्या करें, आप अगेन जो पढ़ाई है अपनी उस पढ़ाई में आप जो यहाँ पर लग जाए अगेन यहाँ पर दिसंबर वाले एग्जाम के लिए। अगर आपका स्कोर 190 से 198 के बीच में रहा है, और सॉरी 196 रहा है जब आपका, ठीक है अगर आपका ये भी स्कोर है रहा है तो आप भी इक्वली पास है यहीं पर, ठीक है आप पास है यहाँ पर। और इसी हिसाब से अगर हम बात करें 180 आपका गया है कट ऑफ और आपका 174 से 180 के बीच में आ रहा है, 178 आया है आपका, तो भी आप इक्वली पास है। बस चूंकि यहाँ पर जो है एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी है, उस वजह से खामियां जो है आपको भुगतना पड़ा है, लेकिन आप भी उतना ही इक्वली बराबर है जिन लोगों का इस बार हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए जो हो चुका है उसको तो कर सकते नहीं है अनटिल एंड अनलेस एनटीए फिर से जो है अपना क्या कर दे, फिर से निकाल दे रिजल्ट, बोलेंगे अरे जल्दबाजी में हमसे गलती हो गई, हमने इतनों को ही दे दिया, अब ये फिर से कर सकते हैं, फिर से नया रिजल्ट मिलेगा आपको। एनटीए एग्जाम के अंदर हो सकता है, रिजल्ट दोबारा दे सकता है, कुछ भी कर सकता है वो, ठीक है इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। लेकिन संभावना इसकी जो है बहुत कम है, 0.1%, बट यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, है ना। अगर आपके पास समय है तो आप ये लगाएं, आरटीआई वगैरह लगाएं, केस वगैरह करें, आप देखें यहाँ पर कि आपका क्यों नहीं हुआ है, ठीक है। और अगर आपके पास समय नहीं है, आप चाहते हैं कि आप जो है इसको क्लियर करना चाहते हैं, तो आप पढ़ाई करना कंटिन्यू रखिए यहाँ पर दिसंबर के लिए, और पढ़ाई
वो वाली करिए जो क्या करें आप, जो आपको एग्जाम में पास कराए, ठीक है। आपको ध्यान देना होगा उन चीजों के ऊपर, क्या आपको चीजें पास कराएंगी, क्या चीजें आपको पढ़ना है और क्या चीज पे आपको बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसा रिग्रेट आपको आज हो रहा है कि काश मेरे एक सवाल और सही हो गया होता, काश मेरा दो सवाल सही हो गया होता, काश मेरा चार सवाल सही हो गया होता, ठीक है, उन लोग को देखिए रिग्रेट ज्यादा रहेगा। अगर मान के चलिए कट ऑफ 190 गया है और किसी का 120 आया हुआ है तो उनको रिग्रेट नहीं रहेगा, उनको मालूम है कि उनकी पढ़ाई में जो यहाँ पर है, यहाँ पर गैप है, सॉरी 180 गया है, यहाँ पर गैप है, यहाँ पे जो है हमने जो पढ़ा है उसको अच्छे से नहीं पढ़ा है, हमने जो रिवाइज किया है उसको अच्छे से रिवाइज नहीं किया है, ठीक है, या फिर हमने कोई पढ़ा ही नहीं, पता ही नहीं कि सवाल कहाँ से आ रहा है, वो भी केस हो सकता है। लेकिन अगर आपका 180 कट ऑफ गया है, आपका 178 है, 176 है, तो आपको बस थोड़ा सा और जो है कॉन्सेंट्रेट होकर, थोड़ा सा और जो है फोकस करके अगेन चीजों को रिवाइज करना है और आगामी दिसंबर एग्जाम जो होने वाला है उसके लिए आपको और अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके लिए देखिए आपको फ्री पीवाई की उसकी सीरीज चल रही है यहाँ पर कंप्लीटली, और उसी के साथ आपको जो फ्री लिस्ट है उसका भी आप एक्सेस कर सकते हैं, उसका भी आप आनंद ले सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी जो है और अच्छी हो जाएगी। और आप देखिएगा यहाँ पर, आप मान के चलिए कट ऑफ जो है अगेन हाई रहेगा, पहले भी आपको बोला हुआ है कट ऑफ अब जो है ये हाई ही रहेगा, इस प्रकार से 200 के आसपास आपको जो है टारगेट रखना ही होगा जनरल वालों को। 200 के नीचे तो यहाँ पर समझिए कि आपकी जो है दाल नहीं गलने वाली है, ठीक है, आने वाले समय के अंदर लोग और पढ़ के जाएंगे और जो है एकदम अच्छे से करके जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर इस प्रकार के पेपर के अंदर भी आपका जो है 200-198 कट ऑफ जा रहा है तो थोड़ा सा भी अगर आसान होगा तो कट ऑफ जो है और शूट करेगा, ठीक है, 202-204 भी जा सकता है आने वाले समय में, हम बात कर रहे हैं जनरल कैटेगरी की, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, आप जो फोकस कर सकते हैं कहाँ पे कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के अंदर कंप्लीटली, ठीक है, पूरा यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक पूरा चार्ट जाइए, समा जाइए अपने अंदर कि अगर आपको इस एग्जाम को लेकर सही में आप लिटरली क्लियर करना चाहते हैं तो, है ना, केवल अगर आप मस्ती मजाक के लिए दे रहे हैं तो आप देते रहिए इस प्रकार से, ठीक है, और अटेंड में आपको मिलेंगे, देते रहिए इसको। लेकिन अगर आप बहुत सीरियस है तो आपको यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक सभी चीजें पढ़नी होंगी, प्लस उसमें जो कोर यूनिट्स आपको बताई हुई है उनको आपको अच्छे से पढ़ना होगा, और उसी के साथ साथ आपको जो पीवाईक्यूज है वो भी आपको यहाँ पर लगाने होंगे अच्छे से, ठीक है। आगामी आने वाले दिनों में बात करेंगे हम इन वीडियोस के अंदर कि आपको जो है किस प्रकार से और अच्छे से यहाँ पर जो तैयारी करनी है, ठीक है, किस प्रकार से आप और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, इसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए, ठीक है। और उसी के साथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ थोड़ा स्ट्रीमलाइन होके तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोर्स वगैरह के अंदर, जहाँ पे आपको मिलते हैं लाइन से सभी लेक्चर्स, लाइन से सभी पीवाईक्यूज, और पीवाईक्यूज लाइन से तो नहीं मिलते, घुमा फिरा के मिलते, ताकि आपको जो है याद रहे, ठीक है। और पूरे लेक्चर्स जो है आपको ऑर्डर में मिलते हैं, जिस ऑर्डर में आपको दिए गए हैं उसी ऑर्डर में देखना होते हैं, ताकि आपको जो मालूम रहेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, किस प्रकार से आप आगे बढ़ रहे हैं, है ना। ऐसे कहीं से कुछ भी आज यूनिट 1 पढ़ा कल यूनिट 2 पढ़ा, इस प्रकार से आपकी पढ़ाई जो है अच्छे से नहीं हो पाएगी और आप फिर को जो है ये सब चीजें आपको यहाँ पर भुगतनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स वगैरह के अंदर तो आप यहाँ पर नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं, 2 महीने यहाँ बचा हुआ है। आप चाहे तो मंथली वाला पैक ले सकते हैं, आप चाहे तो ईयरली वाला पैक ले सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो वैसा, ठीक है। आपका एम क्या होना चाहिए, एम आपका ये होना चाहिए कि आप किस प्रकार से नेट निकालें और किस प्रकार से आप यहाँ पर GRF निकालें। आप मान के चलिए अभी जो आप कट ऑफ देखने वाले हैं दिसंबर वाला, वो अगेन आपको यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अभी जो है बच्चे हैं एग्जाम के जोन में है यहाँ पर, अब 2 महीने बचे हुए हैं और अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अच्छे से चीजें करेंगे, और हमारे भी काफी सारे जो फ्री लेक्चर्स आ रहे हैं उसका भी आपको फायदा मिल रहा होगा, आपके नंबर इंक्रीज हुए होंगे आई होप इस बार के अटेम्प्ट पे, ठीक है। और नहीं हुए हैं, पहली बार देख रहे हैं आप, तो क्या करें आप लेक्चर्स देखते रहिए कंटिन्यूसली, आगे देखिए आपके नंबर कैसे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मुलाकात कर से आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको दोनों ऑप्शंस दे दिए हैं, आप चाहे तो RTI लगा सकते हैं अगर आपके पास समय है तो, और समय नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो पढ़ाई है उसके ऊपर फोकस रखिए यहाँ पर अगेन, ठीक है, क्योंकि यही जो आपको सर्टिफिकेट दिलाएगा, ये आपको लड़ाई झगड़ा करके आपको जो है सर्टिफिकेट मिल सकता है आपको, लेकिन बहुत लेट समय हो जाएगा, उसमें आपको हो सकता है एक दो बार आपका एग्जाम हो भी जाए, ठीक है। तो आप ये प्रयास करें कि एग्जाम देके आप इसको निकाल लें फटाक से, आप 210 लेके आइए, 220 लेके आइए, फिर देखते हैं आपका कैसे नहीं होता है, 240 लेके आइए, फिर देखते हैं आपका कैसे नहीं होता है। लेकिन आपको इसके लिए क्या करना होगा, काफी मेहनत करनी होगी, काफी पढ़ाई करनी होगी और चीजों को जो है बार बार रिवाइज करना होगा, ठीक है। ओके, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।